जिंदगी मक्खन मक्खन जिंदगी मक्खन। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैगी सभी खाते हैं, मैं भी बचपन से मैगी बहुत खाता हूँ। मैगी सबकी फेवरेट नूडल्स है, 2 मिनट नूडल्स। सबसे पहले इंडिया में जो सबसे पसंदीदा नूडल्स है 2 मिनट, वो मैगी ही है। लेकिन पिछले कुछ सालों में ना मैगी नए नए फ्लेवर्स नए नए नूडल्स निकाले जा रहा है। तो अभी एक नया नूडल्स मैंने ऑनलाइन देखा था, स्विगी इंस्टामार्ट पे मैंने देखा मैगी की हैप्पी बाउल ट्विस्टी टमाटो नूडल्स। मतलब टमाटो का नूडल्स है, टमाटर की नूडल्स है ये। पर्सनली स्पीकिंग मुझे ना टमाटर वाली नूडल्स पसंद नहीं है, या टमाटर के फ्लेवर के जो चिप्स आते हैं ना जिनमें सॉसी फ्लेवर होता है टमाटो का, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैगी ने क्योंकि एक नई फ्लेवर लॉन्च किया तो मैंने सोचा क्यों ना इसको खा के रिव्यू करके देखे कैसी लगती है, इसका टेस्ट कैसा है। सो हेयर वी हैव द ट्विस्टी टमाटो मैगी हैप्पी बाउल। ये कोई नया मैगी का फ्लेवर है, मेड विद आटा। ओके, आटे से बनी हुई ऐसा मेंशन किया है। 200 ग्राम्स इसका है और 80 रुपीज़ की है। थोड़ी महंगी है यार, नॉर्मल मैगी से भी ज़्यादा महंगी है। तो 200 ग्राम्स इतनी महंगी। और ये देख सकते हैं चार वाला पैक है 200 ग्राम्स में, और साथ में मसाला भी मिलता है। और इसमें खुशबू बड़ी अजीब सी आ रही है, आटे जैसी खुशबू तो कम आ रही है। और ये ट्विस्टी टमाटो का जो फ्लेवर है, टेस्ट मेकर है, एकदम लाल भड़कता हुआ फ्लेवर है, मिर्ची की स्मेल आ रही है इसमें से। सो लेट्स बिगिन द रेसिपी। एक पैन में 4 कप पानी मैंने डाला है, जैसे पैकेट में मेंशन किया था। इसे अच्छे से बॉईल करना है 30। फिर इसमें एकदम फाइनली चॉप्ड वेजिटेबल्स डालने हैं, कैरेट्स बीन्स और कैप्सिकम। फाइनली चॉप इसलिए किया जल्दी गल जाएंगे। अब इन्हें ढक के कम से कम 5 मिनट तक बॉईल करना है। ढक्कन, अरे बाप रे, हाथ में गरम गरम लग गया यार, तेज गरम है एकदम। ओह, अब मैंने ढक्कन हटा लिया है। अब एक हरी मिर्च डालना भूल गया था, बारीक चॉप की, वो भी डाल दी है। और इसे लगभग आधा मिनट और पका लिया। अब देखो पानी एकदम अच्छे से बॉईल हो गया, वेजिटेबल्स भी गलने शुरू हो गए। अब इसमें जो मैगी के केक्स हैं वो 4 केक्स मैं डालूंगा, जैसे पैकेट में 4 थे इसलिए 4 के 4 बना रहा हूँ, भूख लगी है। और इसमें मैं ट्विस्टी टमाटो का जो टेस्ट मेकर है 4 टेस्ट मेकर ऐड कर रहा हूँ। थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मैगी में थोड़ा सा नमक कम रह जाता है, तो पिंच ऑफ सॉल्ट या थोड़ा सा ज़्यादा सॉल्ट इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। और मीडियम फ्लेम पे इसे पका रहा हूँ, ढक के कम से कम 4 मिनट इसे पकाना है, क्योंकि आटा नूडल से तो गलने में थोड़ी देर लगेगी। अब ये गलनी शुरू हो गई है, इसे अच्छे से कर लेता हूँ मिक्स। और ये एकदम रेडी है और एकदम खिली खिली बनी है नॉन स्टिकी नूडल्स। और खुशबू बड़ी तेज़ महक रही है इसकी, खाने में कैसी होगी पता नहीं। प्लेट में डालते हुए क्या मुँह पे स्टीम आ रहा है खुशबू के साथ। और सर्दी का टाइम है, थोड़ा फैला लेता हूँ। बाहर तेज़ ठंडी पड़ रही है और गर्मा गर्म नूडल्स में, अरे थोड़ा मक्खन डाल लो, क्यूब मक्खन का, क्या मस्त खुशबू आ रही है। मक्खन डालने से एकदम मक्खनी मैगी हो गई है। देखो क्या मक्खन पिघल रहा है और क्या खुशबू आ रही है, एकदम सिजलर जैसी। और ये मैगी देख के मुँह में पानी आ रहा है, क्योंकि नया फ्लेवर है, पहले ट्राई नहीं किया। आह, क्या नाम तो है इसका, ट्विस्टी टमाटो। अब देखते हैं क्या ट्विस्ट है इसमें। मुझे इसमें एक चीज पसंद आई, इसमें मीठापन नहीं है। नॉर्मली जो टमाटो फ्लेवर होता है उसमें लोग ना केचप में थोड़ा मीठापन होता है, चीनी डाल लेते हैं, इसमें वो नहीं है। फ्लेवर मुझे इसका अच्छा लग रहा है, एक चेंज लग रहा है और अच्छा फ्लेवर लग रहा है। और जो मैंने ऊपर बटर डाला ना अमूल का, उसने ना इसके टेस्ट को और एनहांस कर दिया। नूडल्स है ना, मैंने जैसे कहा था ना, ये प्योर आटा नूडल्स नहीं लग रहे। मैंने जो पतंजलि के आटा नूडल्स खाया ना, उसमें आटे का पूरा फ्लेवर आता है। इसमें है ना ऐसा लग रहा है कि मैदा मिला हुआ है, पूरा आटा नहीं है इसमें। इसमें है ना वेजिटेबल्स नहीं डले हुए, आप अपने वेजिटेबल्स ही डालने पड़ेंगे। अगर आप प्लेन खाने का शौक रखते हैं मैगी को, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। बट मेरे हिसाब से ना ये प्लेन इतनी भी मजा नहीं आएगा, इसमें वेजिटेबल्स डालोगे तो और अच्छी लगेगी। चीज़ है ना, ये हलवा नहीं हुई, मतलब है ना सौगी नहीं हुई, खिली खिली बनी है, आप देख सकते हैं। अगर नॉन स्टिकी नूडल्स है, इसमें गार्लिक का जो फ्लेवर है ना वो एकदम डोमिनेटिंग नहीं है, ताकि मिर्च ऐसे लग रही जो तेज होगी, बट बनने के बाद इसमें मिर्च का पता नहीं लग रहा है, मतलब इतनी भी स्पाइसी नहीं है। हर एज का बंदा इसे आराम से खा सकता है। जैसे आजकल लोग कोरियन नूडल्स चली हैं कि उसमें मिर्ची मिर्च होती है, वैसा हिसाब नहीं है इसमें। और एक चीज़ मैं आपको बोलता हूँ, इसको कभी फ्राई करके मत बनाना, जैसे मैगी फ्राई बनाते हैं ना, क्योंकि इसका मसाला है ना बॉइल में ही आपको पता लगेगा टमाटो का हल्का सा जो फ्लेवर है। टमाटो का एक नया रिफ्रेशिंग फ्लेवर है इसमें, जो आपको किसी सॉस डालने से नहीं मिलेगा। इसमें चिलीज ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्की सी स्पाइसी है। सो गाइस, ओवरऑल मैं बोलूँगा ये मैगी अच्छी है खाने में। जो असली मसाला मैगी है ना, मेन ओरिजिनल मसाला मैगी, उसके मुकाबले में ये स्टैंड नहीं करती है, क्योंकि वो बेस्ट मैगी है, उसके जैसी कोई नहीं है। लेकिन ये फॉर अ चेंज ये अच्छी है, आप इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप टमाटो पसंद करते हैं, आपको ये मैगी अच्छी लगेगी विद द
ट्विस्ट ऑफ टोमेटो, सो डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग इट एंड मेक इट। जिन्होंने ऑलरेडी खा रखी है कमेंट्स बताना आपको कैसी लगी, और जिन्होंने नहीं खाई है इसे ट्राई करके जरूर देखना। अगर आपको ये छोटा सा रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।